हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कैट मशीन के पंप की टेस्टिंग के बारे में और रिपेयरिंग के बारे में। तो ये मशीन का पंप आया था मेरे पास, कैट मशीन का, जो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, जो मशीन है स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो ये पंप खुल के आया था हमारे पास, तो इसको हम मशीन पर लगा के चेक करेंगे कि इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है क्या आ रही है, जो मशीन है क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। तो हम इसको हमारी EPS 625 पे चेक करेंगे कि मशीन में जो है दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है, कि पंप में प्रॉब्लम है कि नहीं। तो इसको हम कपलिन वगैरह लगा के मशीन पे लगाते हैं, उसके बाद इसकी टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये पंप हमने देखिए मशीन पे लगाया है, मशीन चलाई 100 RPM पे हमने मशीन चलाई है क्लॉक वाइज, और इसके हमने जो कनेक्शन किए हैं वो बता देते हैं। तो यहाँ से हमने इसको जो सप्लाई दिया टैंक से दी है कि ये खुद ही डीजल खींचेगा टैंक से। तो ये हमने देखिए इसकी जो है इनलाइट पाइप लगाई है, यहाँ पे हमने पाइप लगाई है इनलाइट, यहाँ से खींच जो डीजल खींचेगा। और ये हमने सक्शन प्रेशर की इसमें गेज लगाई है कि हमारा पंप जो कितना डीजल शक कर रहा है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सक्शन की गेज लगाई है हमने, और इसके बाद यहाँ पे जो इसकी आउटपुट निकलेगी, नीचे भी निकलेगी, उसको बंद कर लेना, ऊपर से निकलेगी, उसको हमने फिल्टर में लेके गए हम। देखिए यहाँ से फिल्टर में जाएगी, वो फिल्टर से होते हुए जो है हमारी सप्लाई है ये यहाँ पर लग जाएगी। देखिए यहाँ पर जो है डीजल अंदर जाएगा, और यहाँ पर हमने वेन पंप प्रेशर की गेज लगा ली है, ये हमारा जो वेन पंप प्रेशर है वो कितना आ रहा है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा वेन पंप प्रेशर है जो 4 bar के आसपास आ रहा है 100 RPM पे, और ये हमने इसकी रिटर्न की पाइप लगाई है, जो हमारी रिटर्न आ रही है वो कितनी आ रही है वो चेक करेंगे यहाँ से। देखिए तो यहाँ से रिटर्न की लाइन चेक करेंगे, और ये हमारी मेन पाइप है जो जाके आगे सप्लाई मेन सप्लाई देगी। तो यहाँ पर इसके लिए आपको जो है यहाँ पर लुब्रिकेशन डालनी है इसमें, तो आपको यहाँ पर ऑयल वगैरह डाल लेना है ताकि जो हमारी शाफ्ट है वो सीज वगैरह ना हो। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑयल वगैरह डाल के इसको यहाँ से बंद कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑयल डाला है इसमें, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा नट लगा लेते हैं ताकि जो इसमें जो ऑयल डाला है वो अंदर बना रहे, बाहर ना आए। तो देखिए यहाँ पे हमने दोस्तों जो है इसके अंदर ऑयल लगा के इसको बंद कर लिया है, और मशीन को हमने 100 RPM पर चलाया। देखिए क्लॉक वाइज हमारी मशीन चल रही है 100 RPM पर, और हमारा वेन जो माइनस सेक्शन प्रेशर है वो -10 के आसपास आ रहा है, 10-15 के आसपास, और हमारा वेन पंप प्रेशर है वो 4 bar के आसपास आ रहा है, जो बिल्कुल ओके आ रहा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डीजल है जो बिल्कुल नहीं आ रहा, यहाँ पे डीजल आना चाहिए तो ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो मशीन के थोड़े RPM बढ़ाते हैं और फिर चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने जो है इसका स्विच लगा के भी चेक कर लिया तभी डीजल नहीं आ रहा, और बिना स्विच से भी चेक कर लिया तभी डीजल नहीं आ रहा है इसमें। तो हम मशीन के थोड़ा RPM बढ़ाते हैं हम। देखिए यहाँ से जैसे हमने मशीन के RPM बढ़ाए, तो यहाँ से हम RPM बढ़ा रहे हैं मशीन के, और जैसे मशीन के RPM बढ़ा रहे हैं तो हाई RPM पे थोड़ा डीजल आ रहा है, 100 RPM पे स्टार्टिंग का डिलीवरी नहीं आ रही, जिसकी वजह से मशीन में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जैसे इसके RPM बढ़ाए तो डीजल उठा रहा है, ये स्लो पे ये डीजल नहीं उठा रहा, जो गाड़ी में मशीन में प्रॉब्लम आ रही है स्टार्टिंग, तो इसकी पंप की वजह से आ रही है। देखिए यहाँ पे जो है ये प्रेशर नहीं बना रहा, 100 RPM पे स्टार्टिंग का प्रेशर नहीं बना रहा था। तो आगे वीडियो में इसकी रिपेयरिंग की बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे दोस्तों हमने नोजल लगाई है एक 300 प्रेशर की, तो देखिए यहाँ पर हमने नोजल लगा ली है। तो हम मशीन के RPM सेट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए 100 RPM बिल्कुल डीजल नहीं आ रहा, और जैसे इसको हाई RPM पर ले जाते हैं, देखिए अभी हमने यहाँ पे 550 RPM किए हैं मशीन के। देखिए जैसे हमने मशीन के RPM बढ़ाए हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे मशीन के RPM बढ़ाए हैं हमने, तो यहाँ पे डिलीवरी आनी शुरू होगी, पर 100 RPM पे जो है डिलीवरी नहीं आनी आ नहीं रही, इसकी वजह से जो मशीन में जो है दिक्कत आ रही है। तो इस पंप को हम खोल के चेक कर लेते हैं कि इसमें जो ख़राब होता है क्या होता है। दोस्तों इसकी रिपेयरिंग की वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी रिपेयरिंग के बारे में बताएंगे, ये इसकी रिटर्न आ रही है और ये किसकी मेन आ रही है। तो यहाँ पे इस पंप को खोल लेते हैं हम, उसके बाद चेक करते हैं इसमें सामान है जो क्या ख़राब है क्या नहीं है।